जी हाँ दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2024 में एक बार फिर से पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाने के लिए कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा 101% कंफर्म कर दिए। भारतीय टीम, जहां दोस्तों भारतीय टीम में कप्तान रोहित शर्मा ऐसे ऐसे भयंकर खिलाड़ियों की वापसी करा दिए हैं जिसे देखते ही पाकिस्तान टीम की पूरी स्क्वाड पहले ही डर से थरथर कांपने लगी। तो दोस्तों साथ में यह भी बताएंगे कि माननीय कप्तान रोहित शर्मा 9 जून को होने वाले महामुकाबला के लिए कौन कौन से विस्फोटक खिलाड़ियों की तगड़ी वापसी कराई है। उससे पहले अगर आप भी T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए खतरनाक तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को मिस कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। वही दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत काफी धूमधाम से हो चुकी है, जबकि इस मेगा इवेंट का सबसे बड़ा हाई वोल्टेज वाला महामुकाबला 9 जून के दिन अमेरिका के न्यूयॉर्क के नसाऊ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां भारत और पाकिस्तान के दरमियान खेले जाने वाले इस महामुकाबले के लिए दोनों ही देशों ने अपनी तैयारियों को काफी तेज कर दिया है। वही दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान मैच को लेकर की गई बातचीत के दौरान पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम ने काफी बड़ी बयानबाजी कर दी है। दोस्तों इसके साथ ही इन्होंने एक ऐसे भारतीय खिलाड़ियों के बारे में बात किया है जो इस T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान को नाको चने चबा सकता है। जहां कप्तान बाबर आजम की माने तो मौजूदा समय में ये खतरनाक खिलाड़ी दुनिया का सबसे बेस्ट मैच विनर है। हालांकि दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम T20 विश्व कप में आने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने थे, जहां इस दौरान इन्होंने अपनी टीमों से जुड़े हुए कई खुलासे किए थे। वही बाबर आजम से जब भारत और पाकिस्तान के दरमियान खेले जाने वाले महामुकाबले से जुड़ी हुई जानकारी को पूछा गया तो इन्होंने कहा कि टीम इंडिया के विस्फोटक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह किसी भी पल मैच के नतीजे को बदलने में सक्षम रखते हैं। जहां दोस्तों उनकी गेंदबाजी के सामने बल्लेबाजी करना हमेशा से ही काफी चुनौती भरा लगता है, जबकि भारत और पाकिस्तान के दरमियान महामुकाबला 9 जून के दिन अमेरिका के मैदान में खेला जाएगा, जहां इस मैदान को काफी आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है। लेकिन आपको बता दूं, यह मैदान बहुत अधिक स्लो है दोस्तों, जिसकी वजह से जसप्रीत बुमराह आखिरी के ओवरों में अपनी स्लोवर गेंदों से काफी मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं। और इसके साथ ही यह मैदान ओपन है, जहां पर हवा का प्रभाव भी बहुत अधिक पड़ेगा, जबकि एक्सपर्ट्स की माने तो जसप्रीत बुमराह यहां पर हवा के दोनों ही तरफ गेंदों को लहराने में सक्षम होंगे। वही दोस्तों, अगर बात करें टीम इंडिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक जसप्रीत बुमराह के क्रिकेट करियर की, तो जसप्रीत बुमराह का अभी तक T20 करियर बहुत ही शानदार रहा है, जहां इन्होंने अपने अभी तक के करियर में खेले गए टोटल 62 मैचों की 61 पारियों में कुल 6.55 की इकोनॉमी रेट से शानदार 74 विकेट छटकाए हैं, जबकि जसप्रीत बुमराह नई और पुरानी दोनों ही गेंदों से गेंदबाजी करने में महारत रखते हैं। वही दोस्तों आपको बता दें, गौरतलब है कि ये दोनों टीमों क्रिकेट जगत की सबसे दो प्रतिद्वंदी टीमों में से एक हैं, जबकि भारतीय टीम का पलड़ा इस महामुकाबले में भारी नजर आ रही है। जबकि तीन ऐसे बड़े कारण हैं जो यह भी दावा कर रहे हैं कि भारतीय टीम पाकिस्तान टीम को आसानी से हरा देगी। तो दोस्तों आइए विस्तार से उनके बारे में पूरी तरह से जान लेते हैं। वही सबसे पहले जान लेते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए अब तक महामुकाबले के हेड टू हेड की। तो इस बड़े टूर्नामेंट में दोनों टीमों ने अभी तक कुल 7 दफा भिड़ंत हुई, जबकि दोस्तों इसमें भारतीय टीमों ने कुल 5 बार पाकिस्तान को हराया है। तो वही पाकिस्तान की टीम ने महज एक बार साल 2021 में भारतीय टीम को बुरी तरह से पटखनी दी थी, जबकि पिछली बार 2022 में दोनों टीमें आमने सामने थीं और इस मुकाबले में टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली की शानदार पारी की बदौलत पाकिस्तान खेमे को शानदार 4 विकेटों से करारी शिकस्त दी थी। जहां ICC T20 विश्व कप 2024 में रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने शानदार तरीके से शुरुआत की है, जबकि उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ खेले गए पहले लीग चरण के मैचों में विपक्षी टीम को शानदार 8 विकेटों से रौंद दिया। जहां दोस्तों इस मुकाबले में उनकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों लाजवाब रही थी, जहां भारतीय टीम के कुछ खिलाड़ी जैसे ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। जबकि दोस्तों आपको बता दूं, पाकिस्तान के खिलाफ मैच से ठीक पहले खबर आ रही है कि विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को प्लेइंग 11 से बाहर किया जा सकता है, जहां हेड कोच राहुल द्रविड़ के सबसे खास खिलाड़ी को मौका मिल सकता है। जबकि T20 वर्ल्ड कप 2024 के सबसे बड़े महामुकाबले में टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ कई बड़ा चाल चल सकते हैं, जहां ऋषभ पंत को प्लेइंग 11 से बाहर कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आयरलैंड के खिलाफ रोहित शर्मा और विराट कोहली ने ओपनिंग की जिम्मेदारी ली थी और जिसके चलते ऋषभ पंत को नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने का मौका मिला था। हालांकि अब पाकिस्तान के खिलाफ राहुल द्रविड़ अपने चहते खिलाड़ी संजू सैमसन को खेलने का मौका दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों संजू
सैमसन को नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने का काफी ज्यादा अनुभव है, जबकि इस दौरान उनका प्रदर्शन भी काफी शानदार रहा है और जिसके चलते ऋषभ पंत को बाहर किया जा सकता है, जहां संजू सैमसन और राहुल द्रविड़ के साथ आईपीएल 2024 में राजस्थान रॉयल्स टीम का हिस्सा रह चुके हैं, जबकि संजू सैमसन ने साल 2013 में राहुल द्रविड़ को काफी प्रभावित किया था और जिसके चलते संजू सैमसन को राजस्थान रॉयल टीम में मौका दिया गया। वही दोस्तों, राहुल द्रविड़ कई बार संजू की तारीफ करते दिखे हैं, जहां ऐसा माना जा रहा है कि संजू सैमसन को T20 विश्व 2024 में जगह राहुल द्रविड़ के चलते मिली है। वही दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो भारत और पाकिस्तान मैच से पहले शुभमन गिल की किस्मत चमक गई है, जहां 9 जून को पाकिस्तान के खिलाफ शुभमन गिल को मैच खेलने का मौका मिल सकता है, जहां टीम इंडिया के युवा विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल को वर्ल्ड कप में 15 सदस्यीय टीमों में तो जगह नहीं मिली है, लेकिन उन्हें रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर चुना गया है। जबकि दोस्तों, अब शुभमन गिल की किस्मत टीम इंडिया के पहले महामुकाबले के बाद ही चमक गई है, जहां आयरलैंड के खिलाफ मुकाबले में भारतीय टीमों के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा अब पूरी तरह से चोटिल हो गए हैं, जबकि आयरलैंड के खिलाफ रिटायर हर्ट होना पड़ा था दोस्तों, जिसके बाद अब ये माना जा रहा है कि युवा सलामी बल्लेबाज गिल को 15 सदस्यीय टीम में शामिल 100% किया जा सकता है, जबकि रोहित शर्मा अब T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो सकते हैं। वहीं दोस्तों, आयरलैंड के खिलाफ खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी की नजारा पेश की है, जहां वह 37 गेंदों का सामना करते हुए 52 रनों की बेहतरीन बल्लेबाजी की, जबकि रोहित शर्मा ने अपनी अर्धशतकीय पारी में 4 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के भी लगाए, जहां आयरलैंड के खिलाफ रोहित शर्मा को हाथ में चोट लगी थी दोस्तों, जिसके चलते उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा था। लेकिन अभी तक BCCI के तरफ से रोहित शर्मा के चोट पर कोई बड़ा अपडेट सामने नहीं आया है। हालांकि कप्तान रोहित शर्मा चोट के चलते T20 विश्व कप से बाहर होते हैं तो यह भारतीय टीमों के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होगा, जबकि 24 वर्षीय शुभमन गिल का प्रदर्शन टीम इंडिया की तरफ से खेलते हुए काफी शानदार रहा है, जहां शुभमन गिल अब तक टीम इंडिया के लिए टोटल 14 T20 मुकाबले खेले हैं दोस्तों, जिसमें उन्होंने 147 की स्ट्राइक रेट से कुल 335 रन बनाने में कामयाब रहे हैं। जहां शुभमन गिल ने अब तक T20 में एक शतक और एक अर्धशतक भी लगा चुके हैं, वही शुभमन गिल का प्रदर्शन IPL में भी शानदार रह चुका है। वही दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाले मुकाबले से ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल को बाहर किया जा सकता है, जहां उनकी जगह भारतीय टीमों में मिस्ट्री स्पिनर को मौका दिया जा सकता है। वही अक्षर पटेल ने आयरलैंड के खिलाफ सिर्फ 1 ओवर की ही गेंदबाजी की थी, जहां वह इस मैच में लय में नहीं दिखे। वही दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ प्रैक्टिस मुकाबले में भी अक्षर पटेल गेंदबाजी में भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे दोस्तों, जिसके चलते अब रोहित शर्मा उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से टीम इंडिया की प्लेइंग 11 से बाहर कर सकते हैं। वही अक्षर पटेल की जगह प्लेइंग 11 में मिस्ट्री स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव को मौका 101% दिया जा सकता है, जबकि दोस्तों, टीम इंडिया के खतरनाक स्पिनर कुलदीप यादव को आयरलैंड के खिलाफ प्लेइंग 11 में मौका नहीं दिया गया था और जिसके चलते अब उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में मौका मिल सकता है, जहां कुलदीप यादव का प्रदर्शन पाकिस्तान के खिलाफ काफी शानदार रहा है। वही दोस्तों, कुलदीप यादव ने अब तक पाकिस्तान के खिलाफ कुल 6 वनडे मैच खेले हैं और जिसमें उन्होंने 5 पारियों में शानदार गेंदबाजी करते हुए टोटल 12 विकेट झटके हैं, जबकि कुलदीप यादव ने अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ एक भी T20 मैच नहीं खेला है, जहां IPL में उनके बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए प्लेइंग 11 में कुलदीप को शामिल किया जा सकता है, जहां पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे महामुकाबले में भी भारतीय टीम शानदार जीत हासिल करने के लिए मैदान में उतरेगी और पाकिस्तान के खिलाफ जीत हासिल करते ही भारतीय टीम को सुपर 8 में जाना काफी आसान हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद भारतीय टीमों को अपने दोनों ग्रुप मुकाबले में कनाडा और अमेरिका जैसी कमजोर टीमों से टक्कर होगी, जहां कोच राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ संभावित प्लेइंग इस प्रकार जारी किए। वही ओपनिंग के तौर पर युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा होंगे, जबकि नंबर 3 पर विराट कोहली और नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव और नंबर 5 पर हार्दिक पांड्या और नंबर 6 पर शिवम दुबे और नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा, नंबर 8 पर कुलदीप यादव, नंबर 9 पर मोहम्मद सिराज, नंबर 10 पर अर्शदीप सिंह, नंबर 11 पर जसप्रीत बुमराह होंगे।